बड़ी खबर आपको बता दें, आपको सांची से बड़ी खबर, बीजेपी की जीत की जानकारी मिल रही है। सांची से प्रभुराम चौधरी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक और सीट जीत ली है। भोजपुर में बीजेपी जीती है इस वक्त की एक बड़ी खबर, और सुहागपुर में भी बीजेपी की ही जीत की जानकारी मिल रही है। तो जो 9 सीटें थी अब वो 9 से लगभग 12, और अब ये देखिए 13वीं सीट चितरंगी में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तेजी से नतीजे सामने आ रहे हैं, सीटों पर काउंटिंग पूरी हो रही है और नतीजे निकल रहे हैं। सांची से प्रभुराम चौधरी जीत गए हैं, उनकी जीत हुई है। ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा लगी लपटी सरकार हो, पूर्ण बहुमत से सरकार। कमलनाथ ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, कहते हिंदुत्व का एजेंडा फैला रहे, और भी कई आरोप लगाए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदुओं का देश है तो रहेगा ही, धर्म का देश है रहेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, और भाजपा धर्म के साथ है। आगे का सफर किस तरह से देख रहे हैं? 24 चुनाव की राह भी साफ हो गई है, राम जी के साथ है। भारत माता की जय। प्रज्ञा ठाकुर को आप सुन रहे थे, और भोपाल उत्तर से कांग्रेस पार्टी की जीत की जानकारी मिल रही है। खाता खुल गया एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के, अभी आतिफ अकील की जीत की जानकारी मिल रही है। आतिफ अकील ने जीत हासिल की है, आलोक शर्मा को इन्होंने हरा करके ये जीत हासिल की है। भोपाल उत्तर से मिल रही जानकारी आपको बता दें, भोपाल उत्तर में कांग्रेस पार्टी की जीत, और कांग्रेस पार्टी भी अब पूरी टक्कर दे रही, क्योंकि जो रुझान थे वो धीरे धीरे परिणामों में आते नजर आ रहे हैं, परिणामों में स्पष्ट होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी आंकड़ा बहुत लंबा, बहुत दूर। जीत की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, जबकि 4 सीटों पर अभी स्पष्ट जो रिजल्ट आया आज था वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। और इस बीच आपको महत्वपूर्ण जानकारी, एक ओवरऑल डेटा, जो अभी तक आंकड़ा निकल के जो तस्वीर उभर रही है वो आपके सामने हम रख देते हैं। वर्चुअल ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि अभी तक जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है उससे कैसी तस्वीर बनते हुए नजर आ रही है। तो सबसे पहले बात यहां पर मध्य प्रदेश का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 161 सीटों पर आगे चल रही है, 67 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और 2 पर अन्य। 161 सीटों पर बीजेपी अपने विजय रथ पर सवार रुझानों में फिलहाल तेजी से नतीजों की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो अभी तक 70 प्लस के आसपास घूम रही थी वो अब 67 पर आ गई है, 67 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, नतीजे आ रहे हैं, लेकिन नतीजों में अभी बीजेपी की जीती सीटों से आधी भी नहीं है कांग्रेस। दूसरी तरफ अदर्स की बात करें तो यहां भी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं 2 उम्मीदवार। तो फिलहाल मध्य प्रदेश की मतगणना के बाद ये तस्वीर उभर रही है बहुत ही कंफर्टेबल मेजोरिटी की तरफ, बहुत आसानी से बीजेपी बढ़ती हुई और कांग्रेस लगभग आधे पर सिमटती हुई, अपने पूर्व प्रदर्शन से भी काफी नीचे कांग्रेस यहां पर पहुंच चुकी है और 2 सीटें निर्दलियों के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर जनता ने स्पष्ट मैंडेट दिया है, बहुत ही क्लैरिटी से सरकार चुनी है, जिसको भी चुना है बहुत ही क्लैरिटी से तस्वीर उभर कर सामने आई है। कोई कंफ्यूजन, जोड़ तोड़, 1-2 का 4, किसी तरह की राजनीति की कोई गुंजाइश जनता ने नहीं छोड़ी है। बिल्कुल आशा, ये बात आपने बिल्कुल सही जगह ध्यान आकर्षित कराया। मैं चाहूंगा हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे भी इस पर रिएक्शन लिया जाए और उनसे भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर, जैसा आस्था जी अभी जिस तरह इशारा कर रही हैं कि राजीव जी, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर मैंडेट वाली स्थिति है, और बार बार बीजेपी इस बात पर जोर भी देती रही है कि हम जोड़ तोड़ की सरकार में विश्वास नहीं करते, और जोड़ तोड़ से जो एक पावर है वो कम हो जाती है। यहां फुल पावर दी है जनता ने इस बार बीजेपी को, 14 से 54 की ओर तो अभी दिख रहा है आपके टीवी स्क्रीन की ओर, और इसका कारण है जो कांग्रेस पार्टी की अति आत्मविश्वास, और कांग्रेस पार्टी कहती थी 0% छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है, इतना झूठ कि जहां आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग, ग्रामीण इलाके के लोग आपके यहाँ नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में ईटा भट्टा में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं था। 5 साल में जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, कोरी लफाजी और क्राइम, करप्शन और कमीशन, इस तीनों पर यह सरकार टिकी हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी बार बार सदन से लेकर सड़क पर पिछले 5 वर्षों में लगातार काम करती रही। भूपेश बघेल जी की सरकार ने मकान नहीं दिया तो मोर अधिकार मोर आवास, आवास यानी छत्तीसगढ़ी शब्दावली है
कि मेरा घर मेरा अधिकार है। जब मोदी जी दे रहे थे तो भूपेश बघेल जी ने उसे अटका दिया, 2 साल तक पैसे राज्यांश को जी नहीं दिया। बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगी। एक और बड़ा अपडेट, कोटा से कांग्रेस की जीत हुई है, एक और नतीजा हमारे सामने आ गया, एक और सीट कांग्रेस के खाते में कंफर्म रूप से बढ़ गई है। कोटा से कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। एक और अपडेट इस टैली में, कांग्रेस के खाते में एक और सीट गई, कोटा से कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई है। हमारे साथ सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ के विशेषकर बात करें तो जो उलटफेर हुआ है उस पर काफी हैरानी हुई है, और ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी, उसको लेकर बीजेपी के वादे थे, तो आपका भी दावा था कि वहां पर कांग्रेस ने काम किया है, लोगों को घर मिला है, आदिवासियों की समस्याओं को सुना गया है, उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ा गया है, नक्सल की समस्या है उसको लेकर भी बहुत चर्चा हुई। क्या लग रहा है, क्या गलती रह गई, क्या कमी छूट गई, जनता ने क्यों मिजाज बदल दिया? दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पर वो कांग्रेस की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, लेकिन मैं फिर से कहूं, आपने ट्राइबल बेल्ट की बात की, कोंटा वो विधानसभा है जो एकदम दक्षिण में आता है छत्तीसगढ़ के, बस्तर का सबसे आखिरी किनारा है, और यहां कवासी लखमा जी पिछले 1.5 घंटे से लगातार हम देख रहे थे, उनको पीछे दिखाया जा रहा था, लेकिन अंतिम परिणाम जो आया उसमें वो जीत के निकले, वो 5 बार से विधायक थे, 6वीं बार उनकी जीत हुई, तो निश्चित तौर पर जो अंतर है, जो मार्जिन है भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों का, वो बहुत कम है, और लगातार ये चीजें हमने देखी भी है। 2018 में कांग्रेस और भाजपा के बीच 10% का वोट फासला था, लेकिन जो 3 बार परिवर्तन हो जाएगा, सुरेंद्र जी क्या परिवर्तन होगा मुझे बताइए, 67 और 161 कैसे पार्टीगा, ये तो बहुत बड़ी खाई है, ये छोटा मोटा मार्जिन या छोटा मोटा कोई गैप नहीं है, ये तो बहुत बड़ी खाई है। आशा जी, निश्चित तौर पर जो है, मैंने कहा अभी कि हमको परिणाम तक इंतजार करना चाहिए, मार्जिनल वोट जो है वो बहुत कम देखे गए हैं, ज्यादातर जो सीटों में जो अभी जो लीड है प्रत्याशियों की वो बहुत कम है, वो कवर किया जा सकता है, और पहले भी हुआ है। आपके पास एक बीच बड़ी खबर आ गई है, निवास से केंद्रीय मंत्री की जीत हुई है, फगन सिंह कुलस्ते माफ कीजिएगा हार गए हैं, केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते की हार हुई है, इस बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ा उलटफेर जिस तरह से आस्था जिक्र कर रही थी वो यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते की हार हुई है, बड़े चेहरों का हम जिक्र कर रहे थे आस्था सुबह से ही, बहुत निराश किया है बड़े चेहरों ने, और फगन सिंह कुलस्ते की हार इस बात को और पूरी तरह से पुख्ता कर रही है। फगन सिंह कुलस्ते जो कि एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का इस बार के चुनाव में, और उसके बाद विधायक की लड़ाई गई, वो हार गए, कांग्रेस के चैन सिंह वरकड़े ने उन्हें हरा दिया। राजीव जी, इस पर आपका तो एक कमेंट बनता है, आपने इस रणनीति को बड़े पुरजोर तरीके से आगे रखा था कि हम केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वा रहे हैं, हम सांसदों को चुनाव लड़वा रहे हैं, पर यह भी कहा गया कि ये ताबूत में आखिरी कील लगाकर भेजा जा रहा है, फिलहाल रिएक्शन सुनते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को आज हम सब लोग यहाँ पर भारतीय जनता। और चलिए बड़ी खबर इस बीच, ये बुधनी से अपना चुनाव जीत गए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, लगातार आगे चल रहे थे एक बड़ी विक्ट्री की ओर, मार्जिन बना करके चल रहे थे, 50,000 से ज्यादा की लीड लेकर वो अपने प्रतिद्वंदी से आगे थे, और अब कंफर्म खबर, बुधनी से अपना चुनाव जीत चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, थोड़ी देर पहले कार्यकर्ताओं के बीच में भी आ चुके हैं, बहनों भांजियों का सबका शुक्रिया अदा कर चुके हैं मामा शिवराज, और अब अपना चुनाव भी जीत गए हैं शिवराज सिंह चौहान, जीत गए हैं बीजेपी की एक और कंफर्म सीट, इसी के साथ एड हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं लाडली बहनों के लाडले भैया और प्यारी भांजियों के प्यारे मामा शिवराज सिंह चौहान जीत गए हैं, और शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने अब तक के चुनाव में सबसे ज्यादा प्रचार किया, सबसे ज्यादा सभाएं की, 125 से ज्यादा इनकी सभाएं हुई हैं, और इन विधानसभा चुनाव के दरमियान हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान नुक्कड़ सभा हो, गांव खेड़े में हो, रिएक्शन सारे कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं इस बात पे आप? जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो था उस दिन मैंने कहा था 9 सीट इंदौर में जीतेंगे और 160 से ज्यादा सीट हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे, मेरा ऑन रिकॉर्ड है, बहुत सारे सोशल मीडिया में भी चल रहा है, मैंने 9 सीट इंदौर की जीतने को बोला था, मालवा में सर्वाधिक सीटें जीतेंगे हम, हमने मालवा में भी रिकॉर्ड तोड़ा है, और वैसे तो सभी राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ा है, छत्तीसगढ़ की इतनी ग्रेट विक्ट्री है जिसकी कल्पना हमको भी नहीं थी, और राजस्थान हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं,
तो तीन राज्यों में सरकार बनाना ये बहुत साफ दिखाई देता है कि आने वाले लोकसभा में हम 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। आपने कहा था क्या मानते हैं क्लीन स्वीप करेंगे और वो तस्वीर नजर आ रही है, आपने कहा था क्लीन स्वीप को लेकर? हमने कहा था कि सफाई में इंदौर वन है पर राजनीतिक सफाई में भी इंदौर वन रहेगा। आधार क्या मानते हैं आप इस चीज का? मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी। माधव के जनता को लेकर क्या कहेंगे जो जिस तरीके से सामने रुझाना है? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने महसूस किया है कि विकास अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हुआ है, सड़क हो, बिजली हो, महिला सुरक्षा हो, गरीब कल्याण की योजना हो, और इसका पूरा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो मोदी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में लोगों को विश्वास है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो बड़ी जीत हमको मिली है उसका श्रेय मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी की संगठन क्षमता, इन तीनों को ही मैं देना चाहूंगा। और तीनों को और उनके प्रति जनता का अडाग विश्वास और अधिक श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया। मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ। हमारे मार्गदर्शक कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी, उनकी रणनीति जगत का नड्डा जी का मार्गदर्शन, प्रकाश जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय अश्विनी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी सहित सभी कार्यकर्ताओं ने और हम सब नेताओं ने मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ काम किया, फिर से भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है। ये मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उस विकास को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। बिल्कुल, और ये आप सुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान को, और शिवराज सिंह चौहान जो कि काफी खुश है, काफी गदगद है, लेकिन आस्था जो बड़े चेहरे हारे, फग्गन सिंह कुलस्ते हारे, शिवराज सिंह चौहान जीते, इस पर भी बातचीत करना आगे जारी रखेंगे। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।